मंदिर में श्रद्धालु नहीं देख सकते मूर्ति। देवीधुरा की ख्याति भले ही बगवाल के लिए हो, लेकिन यहाँ की माँ बाराही देवी मूर्ति और भीम शिला का रहस्यमय बेहद रोचक है। बाराही देवी मंदिर परिसर में एक ताम्र पेटिका में रखी मूर्ति को नहीं देखने की परंपरा रही है। इसके अंदर रखी मूर्ति को किसी भी श्रद्धालु ने अब तक नहीं देखा है। केवल मंदिर के पुजारी ने मेले के दौरान नेत्रों को ढककर मूर्ति का स्नान कराने की परिपाटी रही है। मंदिर में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम एक मूर्ति है जिसे 52 पीठों में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में माँ बाराही देवी की मूर्ति है, मगर पेटिका में रखी इस देवी मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। इस कारण यह भी साफ नहीं है कि ये मूर्ति किस धातु की है। हर साल केवल भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को पंडित पुरोहित पुजारियों और बागड़ जाति के व्यक्ति ही ताम्र पेटिका को मुख्य मंदिर से नंद घर में लाते हैं, जहाँ आँखों में पट्टी बांधकर माँ को स्नान कराने के बाद उनको आभूषण और नए परिधान पहनाए जाते हैं। इस पेटिका में माँ वज्र बाराही के अलावा माँ महाकाली और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर के पीठाचार्य कीर्ति शास्त्री का कहना है कि माँ वज्र बाराही, माँ सरस्वती और माँ महाकाली में वज्र के समान तेज है, जिससे उन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जाता। ये भी कहा जाता है कि दिगंबरा होने के कारण माँ की मूर्ति को बंद रखा जाता है। माँ बाराही उग्र देवी है जो अशुद्ध पाप कर्म और दुरात्माओं को सहन नहीं करती। शायद पाप कृति करने वालों से दूर रखने का प्रयास किया गया होगा। माँ बाराही धाम में माँ वज्र बाराही की स्थापना का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता देवी यहाँ के लोगों की सदियों से इष्ट है। बगवाल यानी पत्थर युद्ध, लेकिन अदालत के आदेश के बाद बीते 2 साल में बगवाल में पत्थर के बजाय फूल की होती रही है। बगवाल में 4 खाम चमियाल, बाली, कहरवाल और लमकड़िया हिस्सा लेते हैं। परंपरा के अनुसार बगवाल में एक व्यक्ति के रक्त के बराबर खून निकलने के बाद ही बगवाल बंद की जाती है। इसका भान होते ही माँ बाराही धाम के मंदिर के पुजारी बगवाल रोकने का आदेश देते हैं। मान्यता के मुताबिक चमियाल खाम के एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न हो माँ बाराही देवी ने महिला को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद नर बलि बंदी बंद हो गई और बगवाल शुरू हो गई। बगवाल की शुरुआत कब से हुई इसकी तिथि का प्रमाण नहीं मिलते। अलबत्ता करीब 3री सदी में बगवाल देवी धुरम में हो रहा।